हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, ईसीआर पासपोर्ट पर इमिग्रेशन नहीं होगा क्या, या नए सऊदी अरब में नए वीजा पर आने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और नए वीजा पर हम क्या नहीं आ सकते हैं ईसीआर पासपोर्ट को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है और इस पर जो लोग नए वीजा पर सफर करने वाले होते हैं उनके लिए काफी सारी दिक्कतें होती हैं इस पर, और उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऑफिस वाले अलग अलग तरीके से आपको बहका देते हैं, इसमें आप परेशान भी हो जाते हो, ठीक है। और परेशान इतना नहीं, अलग उल्टे सीधे कदम रख देते हो, फिर आपका पैसा भी जाता है, परेशान भी होते हो, बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ में हो जाती हैं और सफर करने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसमें जान लेते हैं, क्या हमारा ईसीआर पासपोर्ट अगर है, यानी अनपढ़ का अगर पासपोर्ट है, तो क्या मैं सऊदी अरब में नए वीजा पर सफर नहीं कर सकता हूं क्या। तो यहां पर इसी विषय में पूरी डिटेल में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो जो भाई भी हमारे सफर करने वाले हैं उनके लिए खास वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो देख लेंगे ना, तो किसी भी ऑफिस वाले के बहकावे में आप आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर बराबर से मिलता रहे आपके मोबाइल पर। मैं इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, हमेशा समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं, हुरूप से लेकर के कफिल को परेशानी, कफिल से काम से किसी चीज से, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। तो आप लोगों को ऐसी काफी सारी जानकारियां आगे भी और मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और किसी बहकावे में नहीं आना आपको, ठीक है। तो यहां पर अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है, जिसे ईसीआर को लेकर के बहुत से लोग परेशान होते हैं। देखिए, जो अनपढ़ लोग हैं काफी हद तक लोग, तो वही लोग विदेशों को ज्यादा आने की कोशिश करते हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन जिसे अनपढ़ लोग हैं किसी घरेलू काम में आ गए या कंपनी में आते हैं कुछ छोटे मोटे वर्क करने में, तो उनके लिए ऑफिस वाले अपने यहां देखते हैं ना, तो देखते हुए पहचान जाते हैं, ये गंवार आदमी है, इसको जिसे चाहिए वैसे ऐंट लो। तो ईसीआर पासपोर्ट पर हम सऊदी अरब का नए वीजा पर सफर क्यों नहीं कर सकते भाई, ठीक है, ये मेन टॉपिक यहां बनता है। तो आपको सबसे पहले बता दें, ईसीआर पासपोर्ट पर इमिग्रेशन होता है, ACNR हो या ECR हो। अब ECR क्या है, ACNR क्या है, पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ECR पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट के पीछे ऊपर में लिखा रहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जहां पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहता है ना, वहां पर, ठीक है। और ECNR जो होता है वो चीज वहां पर कुछ नहीं लिखा होता। तो ECNR पासपोर्ट उनका बनता है नया, जिन जो लोग मार्कशीट वगैरह लगाते हैं, मार्कशीट लगाते हैं, उनका ECNR पासपोर्ट बनता है। और जो मार्कशीट नहीं लगाते, एफिडेविट बनवा करके और जा करके मार्कशीट लगो मतलब पासपोर्ट बनवा लेते हैं, उनका ECR पासपोर्ट हो जाता है। अब बात होती है इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं। एक भाई ने हमसे सवाल किया था, कई बार हमको इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया कि भाई एक बात बताओ, क्या ECR पासपोर्ट पर इमिग्रेशन नहीं होगा, मेरा ऑफिस वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि मुझे 30,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, काफी सारे मेरे रुपए लगे, 1,30,000 रुपए से ऊपर मेरे से मांग रहा है, तभी आप यानी कि यहां से आप सऊदी अरब में जा सकोगे, नए वीजा पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा लग रहा है, ये है वो है। तो यहां क्लियरली आप भी जान लीजिए और सब लोग इस बात को जान लीजिए कि ECR पासपोर्ट पर भैया पहली बात आपको बता दें कि इमिग्रेशन रुका नहीं है, इमिग्रेशन होता है, चाहे ECR हो चाहे ACNR हो। हाँ, 10-5,000 रुपए थोड़ा ECR पासपोर्ट पर लगता है, कई बार ऐसा होता है इमिग्रेशन के लिए, वैसे इमिग्रेशन के लिए कुछ 7-8,000 ही रुपए लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग अपने अपने तरीके से सारा दुनिया भर का डिटेल जोड़ के आपसे पैसा लेते हैं, तो 10-15,000 ले ले, बस इससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में टिकट और कुल दुनियादारी खींच खाच के 60,000 के समथिंग बैठता है, चाहे आप नए वीजा पर अगर आप आ रहे हो ना, पासपोर्ट भी आपका ECR है और नए वीजा पर सऊदी अरब में आना चाहते हो ना, तो आप आ सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कुछ दिन पहले इमिग्रेशन जब बंद था तब ECR पासपोर्ट को लेकर के काफी सारी दिक्कतें थी, पासपोर्ट ECNR कराने के लिए 20-30,000 रुपए लेते थे। अच्छा, पासपोर्ट अगर आप ECNR नहीं करवाना चाहते थे तो आपसे 90,000 या 1,00,000 रुपया लिया जाता था इंडिया में, तो पुशिंग के द्वारा आपको भेजते थे वाया दुबई, दुबई से ये लोग सऊदी अरब भेजते थे। वीजा जो आपका स्टाम्प होता था वो आकर दुबई में होता था, वहां पर आपके देश में ही स्टाम्प नहीं होता था, ठीक है। तो ECR पासपोर्ट पर इमिग्रेशन भी होता है, नए वीजा पर लोग आ भी रहे हैं, कोई उन्हें दिक्कत भी नहीं होती है। अब ऑफिस वाले आप लोगों को इस तरीके से कह के बहका देते हैं। एक चीज आपको यहां पर बहुत पॉइंट की बात बताता हूं, जो ऑफिस वाला ओरिजिनल काम करेगा ना,
और जो जेनुअन काम करने वाला का जो समझदार होगा वो आपको तरीके से एक बार समझाएगा, दो बार समझाएगा, तीन बार समझाएगा, चार बार समझाएगा, यहां तक कि आप 10 बार अगर उससे पूछोगे 10 बार समझाएगा। और अगर कोई आपको लूटने वाला है इसको पहचान लीजिए, तो आपको एक बार बताएगा, दोबारा बताएगा, तीसरी बार पूछोगे आपसे झड़प जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यही आप इनसे समझ लेना, इनको तुरंत यही समझ लेना कि आपसे पैसा लूटना चाहते हैं या आपको तरीके से भेजना चाहते हैं। ठीक है, मैं किसी ऑफिस वाले का नाम नहीं लूंगा, यहां तक कि दिल्ली हो चाहे मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बिहार, कहीं भी हो, आप किसी भी जगह से आते हो इंडिया से, और आपको हर जगह एक जैसे ही लोग नहीं मिलते हैं। ठीक, बहुत से लोग होते हैं, काफी सारी ऐसी बातें हुई हैं कि लोग ऑफिस वालों से, ऑफिस वाले दलाल इधर उधर इकट्ठा कर देते हैं, गांव गांव में भेज के, और लोगों को बुलवाते हैं, फिर उसके बाद में पैसा इकट्ठा करके भाग भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैसा पहली बात तो देना, ठीक, काम हो जाए जब तभी पैसा दे, क्योंकि आधा पैसा दे जब कब, जब आपका वीजा स्टाम्प होकर आ जाए, तब टिकट होने वाला हो तब आधा पैसा दे, और जब टिकट हो जाए आपको, जब पासपोर्ट और टिकट आपके हाथ में आ जाए तब आधा पैसा दे। पहली बात तो आप यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ईसीआर पासपोर्ट पर अगर कोई बोले कि इमिग्रेशन नहीं हो रहा है या नए वीजा पर सऊदी जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ना पीसीआर टेस्ट लग रहा है, ना क्वारंटाइन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, एकदम नॉर्मल तरीके से लोग आ रहे हैं, तो इसमें है कहां भाई, यहां कहां क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का जरिया है ऑफिस वालों का, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से रहिएगा और बहुत सोच समझ के, कोई आपके जानने वाले हो ना, जैसे आपके पास से, आपके गांव में आपके कोई जानने वाला रिश्तेदार कोई गया आया हो एक आध बार सफर, तो उसको साथ में जरूर रखें। ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। ठीक, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा, बात मेरी समझ में आई होगी आपको, और वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके मैं भी मन में कोई सवाल चला है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी कोई बात, जो भी बात आपके मन में, आपको बता सकूं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको पर्सनल वॉइस मैसेज बोलकर भेज सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा वहां पर जवाब देने की। मैंने आज तक हर जगह हर लोगों को जवाब दिया, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं कह नहीं सकते कि मैंने जवाब ना दिया हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।